बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दामन और स्लीव का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। ये मैंने एक हार्ड पेपर लिया है, इसको मैंने रैंडमली कट कर लिया, छोटा सा पीस। इसकी मैं एक शेप पत्ती की बना लूँगी, नोकदार, दोनों तरफ से नोकदार पत्ती बनानी है। अब हम इसकी पैमाइश कर लेंगे। ये तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ाई है इसकी, और 2.5 इंच तकरीबन इसकी लंबाई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मैंने एक वाइट पेपर लिया, इसके ऊपर मैंने चौड़ाई में जो है 1/2 इंच पहले से एक निशान लगा लिया सिलाई के मार्जिन के लिए, और इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ 17 इंच। 17 इंच पे हमने मार्क कर लेना है, और इस तरह जो हमने लाइन ड्रा की उसके ऊपर पत्ती को रखकर मैंने इस तरह इसको ड्रा कर लेना है। 1 बाय 1 हम इसको इसके साथ मिलाते हुए, नोक के साथ मिलाते हुए इसको ट्रेस कर लेंगे। अब दूसरी लाइन पे मैंने इसको इस तरह बिल्कुल इसके साथ रखते हुए इसी तरह दोबारा से ट्रेस कर लेना है। कॉर्नर को साथ मिलाते हुए हमने इसको 1 बाय 1 ट्रेस कर लेना है। पैटर्न को आप जितना अपनी चॉइस के मुताबिक चौड़ा करना चाहे कर सकते हैं। मतलब आप की अगर कमीज़ की लेंथ कम है या बाजू की लेंथ कम है तो आप उसके मुताबिक इसकी चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसकी सिर्फ 3 लेयर ले रही हूँ पत्तियों की। ये 3 लेयर मैंने ली हैं। अब हम बाकी मैं ऑफ कैमरा मैंने इसको पूरे पैटर्न को तैयार कर लिया। नेक्स्ट इसको हम इसी तरह जो एक पहले हम लाइन लगाई थी इसी तरह दूसरी लाइन लगाकर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसे काट लिया है। चौड़ाई इसकी तकरीबन 3 इंच है। अब इसके ऊपर मैंने टिशू का फैब्रिक रख कर इसको प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। ये मकरामा डोरी है, हमारे यहाँ इसे गोल डोरी बोलते हैं। आपने मुझे कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं। इसको इसी तरह मैं फुट के नीचे रखते हुए जिगजैग की शेप में हम इसको इस तरह स्टिच करेंगे। स्टार्ट देखा है आपने, इस तरह जिगजैग की शेप में हमने इसको स्टिच करना है। मेरी मशीन का जो फ्रंट है इसके ऊपर इसका जो सारा धागे का काम है वो फ्रंट की तरफ है, इसलिए डोरी ऊपर से गुजर ही नहीं। अगर आपकी मशीन के ऊपर फ्रंट पे एक ऑप्शन है तो आप इसको फुट के नीचे से डोरी को गुजार कर लगाएंगे तो ज़्यादा इजीली ये आपका स्टिच हो जाएगा। इसी तरह हमने पत्ती की दूसरी साइड को स्टार्ट करते हुए इसके ऊपर से पैटर्न के ऊपर से इसी तरह ट्रेस रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता डोरी को टर्न करना है और इसी तरह स्टिच करना है। जब तक हमारा ये पैटर्न तैयार होता है, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे कैपरी डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, दुपट्टा डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन के प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरह हमने ये मैंने दूसरी लाइन स्टार्ट की है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी तरह हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता डोरी को गुजारते हुए इसको स्टिच करते जाना है। इंस्टाग्राम पर भी मेरा बुशरा स्टिचिंग स्टूडियो के नाम से ही पेज है, इंस्टाग्राम पर भी मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पर भी मेरा पेज है इसी नाम से है। इसी तरह ये मैंने पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है। ये मैं 14 अगस्त के हवाले से शर्ट तैयार कर रही हूँ। जो हमने स्टार्ट में एक लाइन लगाई थी 1/2 इंच के मार्जिन को रखते हुए, उसको इसके साथ रखते हुए कमीज़ के साथ या बाजू जो भी आप स्लीव बना रहे या दामन बना रहे इसी तरह हमने इसको इसके साथ अटैच कर लेना। सिलाई जब आपने डोरियाँ लगानी है तो सिलाई को आपने बड़ा नहीं रखना, छोटा रखना है ताकि आपके पैटर्न से सिलाई निकले ना। ये काविया है, इसको मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छे से आपने इसको हीटअप करना है और पत्तियों के दरमियान से जो शेप है इसको मैंने इसके साथ काविया कर लेना है। पत्ती के दरमियान से सिर्फ जो हमारी गोल शेप पत्तियां हमने बनाई हैं उन उसके दरमियान से हमने इसको कट करना है, बाकी पैटर्न को वैसे ही रहने देना है। इसी तरह 1 बाय 1 मैं तमाम पत्तियों से ये टिश्यू फैब्रिक को इस तरह काविया कर लूँगी। और इस तरह आराम से आपने टिश्यू का फैब्रिक जो लेफ़्ट और अब निकलेगा इसको आराम से आपने निकालना है ताकि आपका पैटर्न ख़राब ना हो। इसी तरह 1 बाय 1 में तमाम पैटर्न को इस तरह निकालती जाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। अब हमने आराम से इस तरह आहिस्ता से, टिश्यू फैब्रिक है बहुत नाजुक होता है तो आपने इसको आराम से नीचे से रिमूव करना है कागज़ को। अगर आप पानी से इसको वेट कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ये लाइट जाने वाली थी तो मैंने ये थोड़ा सा आपको रिमूव करके दिखाया है। नेक्स्ट मैं इसको ऑफ कैमरा सारा रिमूव कर लूँगी। ये मेरे पास एक प्रिंटेड फैब्रिक था ग्रीन कलर में, इसको पैच की सूरत में ये मैं इसके दूसरे कॉर्नर पर नीचे से इसको अटैच कर दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके पास ड्रेस के साथ का पैच है तो आप उसको भी ये लगाएँगे तो वो बहुत प्यारा लगेगा। टिश्यू को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम से सिलाई लगानी है ताकि हमारे पैटर्न में कहीं भी कोई भी झोल ना पड़े। नीचे से मैंने इसको प्रेस करके फोल्ड कर लिया। अब हम इसको बाकी जो हमारा ये कागज़ रिमूव होने वाला है उसको मैं रिमूव करके ये टिश्यू का जो सिलाई का मार्जिन है उसको अंदर करते हुए हमने इसको यहाँ से सुई के साथ तुरपाई कर लेनी है। मैंने तुरपाई कर लिया और देखें कागज़ भी रिमूव हो गया, देखें बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अब हम इसके ऊपर मैं पर्ल्स अटैच कर लूँगी। लाइट जाने वाली थी इसलिए मैंने ऑफ कैमरा ही उसको अटैच करना है। आप इसके दरमियान में जैसे थंबनेल पर मैंने आपको शो किया है, आप इसके दरमियान में पर्ल्स भी अटैच करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।